अब इसमें नया क्या है ये आपको बताते हैं। सारा जो फ्रंट डैशबोर्ड है ये भी फुल ऑन ब्लैक दे दिया गया है, हर चीज ब्लैक है यहाँ पर। फॉर्च्यूनर से अगर हटके अगर आपको गाड़ी लेनी है इस टाइम पे, जो अवेलेबल गाड़ी है वो सिर्फ असोस। वो जैसे घर से बाहर निकला ना, सामने एक होंडा सिटी लगी हुई थी, एकदम से मेरे दिमाग चक्कर आ गया, अरे होंडा सिटी कहाँ से आ गई यहाँ पर। फिर नंबर पड़ा, फिर वो नहीं ये मेरी नहीं है, क्योंकि नॉर्मली यार मेरी वही सामने खड़ी होती है होंडा सिटी। चलो फिलहाल चलते हैं और आज होंडा सिटी से ही मिल के आते हैं, देखते हैं क्या काम चल रहा है उसका। आज देखते हैं, दो दिन बाद स्टार्ट कर रहा हूँ कि स्टार्ट होती है कि नहीं। जब बात अब एक बार में स्टार्ट हो रही है, उसी दिन आफत आई थी तेरे को ना, बिना बात की नाक कटवानी होती है ना मेरी। सो हेलो जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये ब्लॉग शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि करें कि ना करें, क्योंकि यार जो अब मैंने सोचा था, आज मेरे को था कि मैंने आज ना डिटेलिंग डेविल जा रहे हैं तो अपनी होंडा सिटी का देखने, तो वही बात थी कि यार मुझे डाउट था कि यार गाड़ी स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, होगी तभी तो जा पाएंगे और तभी तो ब्लॉग बनेगा। तो बट यार थैंकफुली स्टार्ट हो गई, अब ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आराम से हो रही है। बट हाँ यही है कि यार ये समझ में आ गया कि अब 7 दिन मतलब अगर नहीं आप गाड़ी चलाओगे तो हो सकता है भाई बैटरी ड्रेन हो जाए, क्योंकि यार ऐसा कुछ ऑन भी नहीं था। तो इस चीज के लिए मुझे सिर्फ एक डाउट था कि इसमें हो सकता है जो बैटरी ड्रेनेज का रीजन है वो ये है कि मैंने एक चार्जिंग पॉइंट लगाया नीचे, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा हो तो वही मुझे को डाउट था कि उसी की वजह से जो है बैटरी धीरे धीरे ड्रेन होगी। लेकिन मैंने बाद में उसको क्रॉस चेक किया क्योंकि गाड़ी बंद होने के बाद वो चार्ज नहीं कर रहा, वहां कोई पावर नहीं थी, तो आई डोंट थिंक सो कि उसकी वजह से ये चीज हुई है। और ऐसी कोई एसेसरी मेरी है भी नहीं कि जो कंटिन्यूअसली चलती रहती है, तो आई डोंट नो क्या रीजन है। बट यार ये हाँ ये चीज जरूर है कि 7 दिन मैंने ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने अपनी एक्सयूवी ना चलाई हो, और पहली बार ऐसा है कि मैंने अपनी 7 दिन एक्सयूवी नहीं चलाई और उसके बाद बैटरी ड्रेन हो गई। अब यार मौसम भी देखो ना कि कल अच्छी खासी गर्मी थी, बहुत तगड़ी गर्मी थी, बट रात रात में बारिश होगी, अभी भी देखो बिल्कुल क्लाउडी है, मतलब गर्मियों वाली फील बिल्कुल भी नहीं आ रही कि एक दो दिन दबा के गर्मी पड़ती है, हाय हाय हम करते हाय तो हवा मचा देते हैं बुरे तरीके से, बट साथ साथ बारिश हो जाती है। तो इस बार तो भाई क्लाइमेट बहुत चेंज हुआ, मतलब इतना चेंज मैंने कभी भी नहीं देखा। बाकी यार आज अगर पॉसिबल हो पाया हम MG के शोरूम पे भी जाएंगे, क्योंकि वहां पर एक नई ग्लॉस्टर आई हुई है माफिया लुक में, तो उसको भी देखना है कि कैसी उसकी लुक है। अब इस भैया ने भी जान बूझ के ट्रक थोड़ा इधर को करके लगाया था कि यार अपनी गाड़ी निकल ना पाए, बिना बात का पंगा करते हैं, सीधा जा रहे हो सीधे चलते रहो। तो फाइनली अपन पहुंच गए डिटेलिंग डेविल्स, और अपनी डार्लिंग कहाँ खड़ी है देखना पड़ेगा, अंदर खड़ी है बाहर खड़ी है। ओके अभी तो सारे हमारे उतरे हुए हैं यहाँ पर, ये सारे जो क्रोम वाला पार्ट है उतरा हुआ है, ठीक है। बाकी एक बार मिहिर भाई आते हैं वो बताएंगे कि क्या क्या हो गया, क्या पेंडिंग है अभी। हाँ फर्क दिख रहा है इसमें और इसमें, कलर में फर्क है हल्का सा, साइड से देखोगे आपको ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। डिक्की पे तो मतलब आप मानोगे हमने क्या किया था, सबसे पहले ये उतारे ना, क्योंकि ये हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा था। हाँ हाँ हाँ, तो इसको जब हमने उतारा फिर उसके बाद हमने हल्का सा बफ किया सिर्फ इतने एरिया पे, ठीक है, ताकि वो हार्ड वर्क क्लीन हो जाए, हम इसको दोबारा लगा देंगे क्योंकि हमें प्रॉपर साफ नहीं करेंगे, ठीक है ठीक है। फिर अलाइनमेंट हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट होती है, ठीक है। जब हमने इतना सा बफ किया ना इसमें और इधर, इतना ड्रास्टिक डिफरेंस था, क्या करना है अब। ये तो मेरे ख्याल से वही हुआ है कि उन्होंने जो पुराना जो ऊपर की बॉडी का था ना वो वाला कलर लेके वो अलग कर दिया, हाँ हाँ, अब बफ करने का ऊपर वाला कलर चेंज हो गया, दोबारा सारा कलर मैच करना पड़ेगा, करा कराया जीरो हो गया। ये बिल्कुल मतलब आप इधर से आकर देखोगे ना आपको डिफरेंस मतलब ज्यादा एविडेंट है इस साइड से, हाँ क्लियर दिख रहा है। बम्पर बिल्कुल येलो स्टोन पर है, सब जाना बिल्कुल परफेक्टली, ठीक है। अरे बढ़िया बढ़िया, ग्लासेस क्लीन करने पेंडिंग है अभी हमारे, ठीक है ठीक है, वो मैंने आपकी वेट में रखा हुआ था, ठीक है ठीक है। सांप वाला डिजाइन, तो बस यार थोड़ा सा यही रहता है कई बार कि पेंट वगैरह मैच नहीं करते, थोड़ा सा ही रहता है ये गड़बड़, तो अपा ने फिलहाल देख लिया है, वो तो क्लियर हो ही गया कि यार पेंट मैच नहीं किया, तो जिससे अपा ने पेंट करवाया था संजीव भाई से पेंट कराया था, उनसे मेरी बात हो गई है, तो कह रहे थे वो कॉन्फिडेंट थे कि बस कोई चक्कर नहीं, और रबिंग वगैरह करके हम मैच कर देंगे।
चलो अपने को तो पेंट बैच होने से मतलब है, रबिंग करे यार या रीपेंट करे, अपने को क्या दिक्कत है उससे। तो इसलिए यार मैंने अक्षिता को भी बोल दिया कि अभी डीक्रोमिंग वगैरह और जो हम प्लान कर रहे हैं वो सारी चीजें एग्जीक्यूट करने से पहले रुक जाओ, पहले मैं बंपर का ये जो मिसमैच हो रहा है कलर इसको मैच करवा लेंगे, उसके बाद जो है हम जो अगला प्रोजेक्ट हमने सोचा हुआ है उस पे जाएंगे। तो भाई एक बार एमजी मोटर्स भी जाना है क्योंकि वहां पर नई ग्लॉस्टर आई है माफिया लुक में, तो उसका भी मेरे को लुक देखना है यार क्या कैसा लगता है ब्लैक। हाल की कंपनी इसको यार फेसलिफ्ट कह रही है, बट ये फेसलिफ्ट है नहीं है, क्या चेंजेस कितने चेंजेस आए हैं वो जाके देखना बनता है। तो एक बार चलते हैं एमजी मोटर्स। तो ये हम पहुंच गए मोहाली के एमजी मोटर्स, अब यहाँ गाड़ी लगाते हैं। अरे इनके बीवाईडी भी आ चुकी है। अरे यहाँ ये साबूदाना भी खड़ा है, ना चुटकू सा जो है अभी लॉन्च हुई थी ये इनकी जो एमजी की ईवी कार है। अब यार इसके भी अगर रिव्यू चाहिए होगा मुझे बताना, क्योंकि मैं तो बेसिकली यार मैं एसयूवी लवर हूँ, मुझे एसयूवीज में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। मैं छोटी इन द सेंस कि मतलब ऐसी इलेक्ट्रिक कार या हैचबैक इनका बहुत ज़्यादा मैं वो नहीं करता रिव्यू, बट अगर आपको फिर भी चाहिए हो बिल्कुल बताना, ज़रूर करेंगे। तो चलो फिलहाल के लिए अंदर चलते हैं। ये चुटकी सी अंदर भी खड़ी हुई है, बहुत ही क्यूट है यार, बहुत ही क्यूट है चुटकी सी। तो ये है जी 2023 की न्यू ग्लॉस्टर। अब इसमें नया क्या है ये आपको बताते हैं। तो क्या ग्लॉस्टर अपना में मैसिव और रफ एंड टफ गाड़ी है, और इसका जो ये नया कलर नया लुक है इसको और अग्रेसिव बना देता है। तो अंदर आके भाई सबसे पहली चीज जो दिखती है ना इसका स्टीयरिंग। अब क्योंकि यार ये पूरी गाड़ी जो है ब्लैक कर दी गई है, बेसिकली ब्लैक और रेड की कॉम्बिनेशन दी है, तो सबसे पहले स्टीयरिंग में भी इसका ब्लैक और रेड स्टिचिंग के साथ दिया हुआ है। तो सबसे पहली लुक इसकी ब्लैक वाली ये दिखती है। उसके बाद बात करूं सारा जो फ्रंट डैशबोर्ड है ये भी फुल ऑन ब्लैक दे दिया गया है, हर चीज ब्लैक है। यहाँ पर साइड्स के पैनल की बात करूं वो भी ब्लैक है, और सबसे मेन चीज ये सीट्स ये भी ऑल ब्लैक कर दी गई है, आगे की भी और इवन पीछे तक की सीट सारी ब्लैक। और हालकिन के पास जो गाड़ी खड़ी है ये टॉप मॉडल है, तो इसमें 4x4 का ऑप्शन भी आता है और अडैस की फंक्शन भी है, जिसका कैमरा यहाँ पर ये आगे लगा हुआ है। ऑब्वियसली बताने की जरूरत नहीं है ये टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है, तो इसका टच और ये सब चीजें फंक्शनैलिटी इतनी स्मूद है जस्ट। देखो फीचर्स की बात करें, फीचर्स सारे के सारे सेम है इस गाड़ी में, सिर्फ एस्थेटिकली चेंज किया गया है। एक तरह से इसको कंपनी तो फेसलिफ्ट कह रही है, बट इट्स नॉट अ फेसलिफ्ट, इट्स जस्ट एस्थेटिक उसका चेंज किया गया, और इस गाड़ी को रगेड लुक देने की कोशिश की गई है ताकि और अग्रेसिव दिख। इसके अलावा बाहर से बात करूं तो बाहर का जो ORVM है इसमें ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जो कि बहुत प्यारा लगता है अलॉन्ग विद इट। और इसके साथ ही अगर टायरों की मैं बात करूं, पूरा अलॉय जो है ये भी ब्लैक कर दिया गया है, और इसके अंदर का जो कैलिपर है इसको रेड ट्रीटमेंट दिया गया है। तो ये भी यार कॉम्बिनेशन ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन तो भाई हमेशा से ही जहर लगता है। यही कॉम्बिनेशन इसकी लाइट्स को भी दिया है, और सेम ये रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन इसके फ्रंट बम्पर में भी दिया है। तो ये बम्पर भी अब ब्लैक और रेड की कॉम्बिनेशन में है, अलॉन्ग विद इट जो इसका फ्रंट जो लाइट्स हैं हेडलैम्प्स में उसमें भी जैसे BMW में ब्लूइश कलर का आता है, इसमें भी रेड कलर का दिया गया है, और रेड और ब्लैक का बहुत ही अल्टीमेट कॉम्बो जा रहा है। अब पीछे से भी यार ये ब्लैक कलर इसको इतनी अच्छी लुक दे रहा है ना, और साथ में जो यार ये रेड की एक स्ट्रिप जा रही है, मतलब टोटली चीज़ वही है लेकिन कलर की वजह से इसमें इतना डिफरेंस फील होता है ना कि कुछ नया है मार्केट में। और साथ में जो और पीछे जो साथ में जो कई लोगों को शिकायत रहती है ग्लॉस्टर इतना बड़ा बड़ा जो है क्रोम से लिखा होता है वो भी ख़त्म कर दिया है, अब ये ग्लॉस्टर भी बिल्कुल ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है यार ये सारी जो गाड़ी है ना अब बिल्कुल माफिया लुक बन गया है इसका। तो अगर मैं बात करूं बैक रो की, यार ये गाड़ी बनी ही कंफर्ट देने के लिए, तो इतनी कंफर्टेबल सीट्स हैं। खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा, ये तो आप खुद जाके एक्सपीरियंस करने वाली बात है, बट अगर मैं सिर्फ इसमें चेंजेस में बात करूं तो ऑब्वियसली सारा ब्लैक ट्रीटमेंट कर दिया गया है। तो ये जो अपहोल्स्ट्री है यार बहुत ही प्यारी लग रही है, सच में बहुत प्यारी लग रही है। तो इन द एंड ऑफ डे यार जितनी इसकी मच और रगड़ लुक है ना उतनी ही क्यूट लुक यार इसकी आई थी, कुछ करने का मन करता है, इतनी क्यूट लुक है इसकी। तो वही चीज़ है यार, फॉर्च्यूनर से अगर हटके अगर आपको गाड़ी लेनी है इस टाइम पे, जो अवेलेबल गाड़ी है वो सिर्फ ग्लॉस्टर ही है, उसी साइज की उसी तरीके। हाँ पावर चाहे उतनी ना हो, बट हाँ
जो उसको मैच करती है, उसकी डायमेंशन को मैच करती है फॉर्च्यूनर की, वो तो यही गाड़ी है। अभी बात करूं इसके प्राइसिंग की, तो जो इनका स्टॉर्म मॉडल ये ब्लैक वाला मॉडल है, ये टॉप ऑफ द लाइन ही आता है और 6-7 सीटर दोनों में अवेलेबल है। तो इसका एक्स शोरूम प्राइस अगर नॉर्मल का 42,000 समथिंग है, तो इसका प्लस 70,000, तो लगभग आप लगा लो कि ये एक मतलब 43 लाख के अराउंड हो जाएगा। और अगर सारे चार्जेस मिला दिए जाए, अब जैसे इन्होंने ये जो है इनका पंजाब का प्राइसिंग है, तो पंजाब की आरसी भी अगर लेते तो ये कॉस्ट आपको लगभग 49 लाख के अराउंड पहुंच जाएगी। बाकी आपके ऊपर है, आपको डिस्काउंट देते या नहीं देते। वैसे आजकल तो कोई गाड़ी डिस्काउंट देती नहीं है भाई, गाड़ियां ही नहीं मिलती, तो इसलिए अगर डिस्काउंट मिलना नहीं मिलना वो भाई आपकी किस्मत है, आपकी बात करने में डिपेंड करता है। बट यार अगर बात करूं कि नॉर्मल ग्लॉस में जो एक चीज मिस फील होती थी वो था उसका माचो लुक, जो अब पूरा हो चुका है इस स्टॉर्म एडिशन में। इतनी माचो लुक दे दिया, इतना जो रगेड लुक इसको आ गई हुई है ब्लैक होने की वजह से, भाई ऑसम ऑसम हो चुकी है अब गाड़ी। बट हाँ, सुनने में ये भी आया था कि यार ग्लॉस्टर का एक नया जो लुक आने वाला है मार्केट में, आई डोंट नो कि कंपनी ने ये वाली चीज जो पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए निकाला था कि क्यों, आई डोंट नो कितने टाइम पहले आएगा, बट सुनने में आया था, यू नो सुनी सुनाई बातें, तो वो वाली चीज थी। तो अगर सिंपली मैं बताऊं तो ये वाली ग्लॉस्टर में सिर्फ एस्थेटिक चेंजेस किए हैं, इंजन वही है, इंटीरियर वही है, सब कुछ सेम है, सिर्फ एस्थेटिक चेंजेस है। चलो अब फटाफट निकलते हैं घर के लिए, बहुत भूख लगी है भाई, बहुत भूख लगी है। देखो यार अगर बात करूं ठाकुर तो गियो, ठाकुर इन द सेंस एंडेवर तो इंडिया से जा चुकी है, तो यार उसका जो फॉर्च्यूनर का जो मेन कंपटीटर था अब इस सेगमेंट में यही रह गई है। बट आप बोलोगे ऑप्शंस तो बहुत है, बहुत एसयूवीज है, बट ऐसा नहीं है यार, इस रेंज में अगर बात करें जो कैपेबिलिटीज है और जो लग्जरी फील है, जो प्रेजेंस है, वो सिर्फ ग्लॉस्टर की ही बस्ती है। तो इसलिए यार वही बात है, अगर आपको सिर्फ कैपेबिलिटीज चाहिए तो आप फॉर्च्यूनर में जाओ, जो माचो लुक और जो रोड प्रेजेंस चाहिए वो फॉर्च्यूनर में है। अगर इन सब चीजों के साथ आपको भाई लग्जूरियस फील भी चाहिए ना, फिर भाई ग्लॉस्टर, क्योंकि उस प्राइस रेंज में जो 50 लाख की फॉर्च्यूनर लोगे, 50 लाख की ग्लॉस्टर है, लेकिन फीचर इसमें भाई भर भर के फीचर्स। पर जो मर्जी कह लो यार, एमजी की कमेंट देखकर जो फील आती है ना, मन करता है कि अरे माइलो हाँ ये ले ले क्या माइलो, चल अंदर। ये देखना हम वहाँ किस रेंज की गाड़ी देख रहे हैं, और ये देखो डिफेंडर, बीएम, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, छोटी बड़ी ये एलसी, भाई सब कुछ, सारी गाड़ी, इतनी सारी, तेरे को क्या दिक्कत है रे माइलो, तू कितना सोएगी, पीछे से भी तूने सोना ही है, उठ मालो, फेच खेले, चला जा। ये इसकी इतनी अच्छी बात है ना, एवर रेडी रहता है, जैसे सोया है कुछ भी है, तो इसको ना दुनिया में सिर्फ दो ख से प्यार है, एक खाने वाला ख और खेलने वाला ख, तो दोनों ख में भाई इसको जो मर्जी बोल दो एवर रेडी, एकदम इंस्टेंट तैयार, चाहे सो रहा हो जो मर्जी हो रहा हो, है ना मालूम, तू कितना अच्छा है रे, चला फेच करते हैं, ये पड़ा तेरा तामझाम, देख ना हमने ट्रेजर बॉक्स में ये ट्रेजर रखा है, इतना इंपॉर्टेंट सामान, और क्या माइलो, तू हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही तो है, लेकिन लाइट ऑन कर लूं, हाँ माइलो फेच, अरे वेरी गुड शाबाश। तो जी हो चुके हम रेडी, और क्योंकि हमने जाना है एक फ्रेंड्स की हमारी गेट टुगेदर है वहां पर, और बस अब रात को आएंगे, तब तक माइलो हमारा जो है अकेला अकेला एंजॉय करेंगे, है ना माइलो। यार जब भी हम जाते हैं ना यार, ये हम इतने देखना इतना पपी फेस बना लेते हैं ना, कि अकेले मुझे छोड़ के जा रहे हो आप लोग, है ना माइलो, थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो सो आराम से सो, चिल मार दो भाई। 8 बजे का टाइम था पहुंचने का, 7:30 तो यही मोहाली में हो गया हमने, और पहुंचना है अंबाला जाके, तो बस फटाफट निकलते हैं यार, बीवियां लेट कराती हैं भाई। हम हस्बैंड लोग टाइम पे तैयार हो जाते हैं, हर जैसे कहते हैं ना, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे बीवी का हाथ है भाई, हर जगह लेट होने के पीछे बीवी का हाथ है, खत्म ही नहीं होता मेकअप, पता नहीं क्या करती रहती है। अभी ना चलते चलते पता नहीं कहां से एक पत्थर आके शीशे में जाके बजा, ये शुक्र है क्रैक नहीं हुआ, नहीं तो भाई एक गाड़ी तो मेरी बाहर खड़ी है, ये दूसरी भी खड़ी हो जाती। हालांकि अभी पीछे एक कल परसों ये जो है इसका जो है बैटरी का इशू हो गया था, तब ये भी खड़ी होगी थी, बट यार आजकल ना मेरे को लगता है गाड़ियों के ग्रह माड़े ही चल रहे हैं, तो ये ना हो कि भाई गाड़ी मेरी ये भी खड़ी हो जाए, पहली वाली तो खड़ी है ही है,
ठीक रहना बेटा, ठीक रहना यार। अब एक नया पंगा शुरू हो गया, ऐसा पता नहीं क्या चक्कर है। उसको बोलो ना जैसे अलेक्सा प्ले सॉन्ग, मतलब वो ब्लू सी लाइट नहीं आती, ये बस आवाज आएगी, ग्रीन की आवाज आएगी, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। अलेक्सा अलेक्सा प्ले सॉन्ग्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अदरवाइज जब सुन रही होती है ना तो नीचे ब्लू सी लाइन चमकती है। यार ये मैं थक चुका हूँ, अब सच में बहुत परेशान हो चुका हूँ मैं इस चीज से। तो नो बेटे क्या चला रहे हो, ये ट्रैक्टर चला रहे हो? एक्सयूवी भी छोड़ देते और ट्रैक्टर ले चलते, ठीक है ना? और क्या ना ये डालो बेटा, एक्सयूवी इसे एक्सयूवी यहाँ खड़ा करते हैं, ट्रैक्टर ले चलते हैं, सुबह तक तो पहुंच ही जाएंगे वाली वापस आगे। भाई दिन में जितनी मर्जी टेंशन हो, जितनी मर्जी दौड़ो, लेकिन शाम को जब दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का मजा आता है ना यार, सारी चीजें बराबर होती है भाई, सारी थकावट खत्म हो जाती है। तो यार लाइफ में और कुछ होना हो भाई, दोस्त होने बहुत जरूरी है यार। मेरे लिए तो ना दोस्त इज जस्ट लाइक ग्लूकोज भाई, उनसे ही भाई एनर्जी बनी रहती है, उनसे भाई सारा दिन जो है बढ़िया कटता है अपना। एंड आई एम श्योर आप में से कई लोग हैं जिनके लिए भाई दोस्ती मायने रखती है। तो भाई अपने साथ भी बढ़िया दिन रहा, शाम बहुत अच्छी रही, अब बस रात के बज चुके हैं 12 और यार अपन अब जा रहे हैं वापस मोहाली, अब जाके बस सोएंगे और एक नए दिन की शुरुआत कल फिर से करेंगे। और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव इट अ लाइक और चैनल पे तो डू सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।